दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नो कोड एप्स के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि AI बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत ऐसे यूजर्स हैं या कह लीजिए जिनको एप्लीकेशन बना के अच्छी खासी अर्निंग करनी है, वो लोग अभी नो कोड एप्स बिल्ड कर रहे हैं। नो कोड ऐप से मेरा मतलब ये है ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स जहाँ पर आपको जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट फिल करनी या फिर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आप खुद से अपने ऐप को वहाँ बिल्ड कर पाते हो। बट वो जो वेबसाइट्स रहती हैं वहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक ऐप आप बना सकते हो, जैसे एक न्यूज़ ऐप गया, आपके लिए क्विज ऐप हो गया, या आपके लिए कोई ऐसा एक आर्टिकल टाइप है, किसी वेबसाइट को कन्वर्ट करना एप्लीकेशन में, इस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं। तो आज हम लोग नो कोड ऐप जो रहते हैं उनके बारे में समझेंगे और ये किस किस वेबसाइट्स पे आप बना सकते हो और उनसे आप कितना अर्न कर सकते हो, प्लस उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और जब आप कोडिंग करके कोई ऐप बनाते हो तो उसमें क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। देखो सबसे पहले तो नो कोड ऐप जो रहता है, देखो अभी अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो flutter.io करके है, और भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको थोड़ा बहुत लेकिन टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, वो लोग आपको बहुत अच्छा टूल्स बना के, मतलब उनका जैसे वर्डप्रेस पे आजकल कोई भी इजीली वेबसाइट बना सकता है, वैसी ऐप भी आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो आपको जस्ट थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको API कैसे कॉल करनी है, आपके एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, आपके एप्लीकेशन का UI कैसा होना चाहिए। ये आपको अगर समझ है तो आप बिना कोडिंग के भी ऐप बना सकते हो। ठीक है, समझो आप ऐसी वेबसाइट पे गए, आपने ऐप बनाया आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आजकल तो थोड़े बहुत एडवांस लेवल के भी ऐप बन जा रहे हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेटिव ऐप, कैलकुलेशन वाले ऐप भी बन जा रहे हैं। तो वो सब जो एप्लीकेशन रहते हैं, और ये बनाते किस टाइप के यूजर्स हैं, जिनका बजट कम होता है या फिर वो खुद से कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो बनाते हैं, या फिर जिनको एक एक्सपीरियंस होता है ना ऑनलाइन अर्निंग का, तो बहुत लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर उस वे को फाइंड करते हैं जहां से अर्निंग हो सके, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया, यूट्यूब से हो गया, फेसबुक से हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया। तो एप्लीकेशन वेबसाइट है ना, वेबसाइट से तो बहुत अच्छी होती है, तो एप्लीकेशन एक ऐसा वे है अर्निंग करने का कि ये आपका खुद का प्रोडक्ट होता है और आप समझ के चलो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है एक वो, और वहां पे आप कहीं पे भी ऐड लगा सकते हो, सेल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एक डिजिटल प्रॉपर्टी हो जाती है वो। तो ये उसी टाइप के यूजर्स रहते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उस टाइप के यूजर्स रहते हैं जिनको अर्निंग करना आता है, वो लोग ऐसी वेबसाइट्स पे जाके टूल्स वगैरह का यूज करके बिल्ड कर लेते हैं, और बिल्ड करना भी चाहिए अगर आपको अर्निंग करनी है तो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि फ्यूचर में अगर आपका एप्लीकेशन बड़ा हो जाता है तो उस समय वो, पहली बात तो वहां से आपको पूरा सोर्स कोड नहीं मिलता है, ठीक है, आपको फिर वो पूरा डिपेंडेंसी रहती है कि वहीं से जो भी फंक्शनलिटी आपको बनाना वहीं से बनाना। तो आपको फ्यूचर में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल है, आप वहां से सोर्स कोड लेके या पैकेज आईडी और JKS फाइल पे वापस आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, फ्रॉम स्क्रैच आपको ऐप बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर अर्निंग की बात की जाए तो देखो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है क्योंकि आप खुद से ऐप बना रहे हो, और अगर आपको इसके ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और जो फ्रॉम स्क्रैच ऐप बनता है जिसमें पूरी कोडिंग फ्रॉम मतलब जीरो से लेके उस एप्लीकेशन के कंप्लीट तक जब कोडिंग की जाती है, तो वैसे एप्लीकेशन में आप ये समझ के चलिए कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, प्राइस अच्छा खासा लग जाता है, और चांसेस भी कम रहते, कम मतलब अगर आपके पास अच्छे खासे मतलब यूजर सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आपको वे पता है कि कैसे प्रमोट करना है, या फिर आप फेसबुक गूगल एड्स के प्रो हो, या फिर आपका कुछ तो ऐसा वे है प्रमोट करने का, यूजर्स लाने का आपके पास वे है, तो डेफिनेटली आप उस पर अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन से कैसे अर्निंग करना है और आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, मतलब फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करके, तो मतलब एक होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गया बट वो उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता। और नो कोड ऐप्स जो रहते हैं ये वही लोग फ्रीलांसर टाइप के करते हैं, लेकिन मैं आपको ये मतलब समझाना चाहूंगा कि अगर आपका खुद का बिजनेस है, बिजनेस के लिए अगर स्टार्ट कर रहे हो तो नो कोड पे नहीं जाना चाहिए, मतलब अगर आप खुद ही टेक्निकल नहीं हो और आपको खुद ही नहीं पता है कि कहां पे क्या चीजें करनी है तो आपको नहीं जाना चाहिए। बट आजकल छोटे छोटे बिजनेस वाले भी मतलब ऐसे वेबसाइट का यूज करके ऐप बिल्ड कर लेते हैं, बट वो छोटे लेवल पे रहता है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पाते एप्लीकेशन को। और मैंने अभी तक तो कोई ऐसा ऐप नहीं देखा जो ऐसी वेबसाइट पे बना हो और वो बहुत ज्यादा बड़ा हिट हुआ। देखो कोई भी एप्लीकेशन स्टार्टिंग फेज में आप कर लो, बड़ा हिट होने के बाद आपको अगेन वापस वही करना पड़ेगा, फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा कोडिंग में, ठीक है। और कोडिंग बेस्ट है, AI से आप कितना भी बेस्ट ऐप बना लो बट वो एक बड़े लेवल पे सक्सेस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। हाँ, ये ChatGPT या फिर और जो ऐसी AI टूल्स, AI मॉड्यूल्स हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए आपको, पर समझने के लिए चीज़ों को कैसे क्या होती हैं। आजकल तो हर डेवलपर ChatGPT Gemini ये सब का यूज़ कर रहा है, और मैं भी करता हूँ क्योंकि इससे हमको क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है और टाइम सेव हो जाता है, जिसमें हमारा जो कोडिंग में हमें एक घंटा लगना चाहिए वो हमारा 10 मिनट में काम हो जाता है। तो टूल्स का यूज़ करना चाहिए बट डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक समझता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नो कोड ऐप्स जो रहते हैं वो किस किस टाइप के रहते हैं, कौन बनवाते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फ्रॉम स्क्रैच जो बिजनेस ओनर्स रहते हैं वो फ्रॉम स्क्रैच से ही बनाते हैं, ठीक है। और वही सक्सेस ऑब्वियसली होता है वही, क्योंकि आपके पास जब आप खुद से फ्रॉम स्क्रैच बनाते हो तो आपके पास पूरा ऐसा मतलब समझ के चलो ना, आपका खुद का प्रॉपर्टी है, खुद से आपको जो
बनाना चाहो बना सकते हो। और आप नो कोड ऐप मतलब एक फ्लैट सिस्टम टाइप समझ लो कि टूल्स वाला जो फ्लैट में एक आपको एरिया मिल जाता है फिक्स एरिया कि उतने में रहना है, और अगर आप खुद की प्रॉपर्टी लेते हो तो आप उसमें कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आपको भी डिपेंड करता है। तो वैसे फ्रॉम स्क्रैच होता है और AI टूल्स मतलब जो रहते हैं ऐसी वेबसाइट उसमें फिक्स रहता है कि भाई यही टूल्स आपको यूज़ करना है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसपे मैं कोशिश करूंगा कि पूरा लाइव लेके जाऊं। एक एप्लीकेशन हमने बिल्ड किया है जिसपे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अर्निंग्स वगैरह मतलब फ्रॉम स्क्रैच, हाँ, कैसे उसको पब्लिश करना है, कैसे प्रमोट करना है, क्या अर्निंग्स हो रही है, मैं सोच रहा हूँ करूँ करके। अगर वो आप देखना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।